हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। तो हमारी इक्वेशंस क्या होती हैं, पहले हम इक्वेशन समझेंगे। इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 2x+3, ये हमारा क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन तो नहीं है ये, हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन जब इसके साथ हमारा इक्वल का साइन आ जाता है तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। जैसे यहाँ पे 2x+3 इक्वल्स, मैं यहाँ पे मान लो 7 लिख देती हूँ, तो अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये हमने पहले भी कर रखा है ना, ये हमारी इक्वेशन होगी। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन का मतलब देखो, ये हमारी क्या है, एक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है। और लीनियर का मतलब ये है कि जिसमें हाइएस्ट डिग्री 1 होती है। जैसे इसकी हाइएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। और डिग्री किसकी होती है, वेरिएबल्स की होती है ना, तो इनमें कोई जब डिग्री नहीं होती तो क्या होता है, 1 डिग्री होती है। तो हाईएस्ट डिग्री होने की वजह से ये लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स मतलब इसमें देखो दो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई। ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है। अब हम आगे समझते हैं। अब यहाँ पे हम एक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन हमें यहाँ पे दे रखी है, जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं, x+y=176। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारी क्या होती है, x+y-176=0। ये कैसे, अभी हम नीचे समझेंगे। तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। अगर हम यहाँ देखें तो ये भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। तो ये इसको बोलते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनती है, सो एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax+by+c=0। जहाँ पे हमारा ax+by और +c होता है, जो =0 होता है, वो हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जहाँ पे हमारा ए बी और सी, ये तीनों ही जो है, जैसे ए बी और सी, ये तीनों क्या होने चाहिए, एक रियल नंबर होने चाहिए। जहाँ पर हमारे ए और बी सी क्या होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं। एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके अंदर जो हमारा ए और बी जो होता है ना, ये ए और बी जो है, ये दोनों ही क्या नहीं होते, जीरो नहीं होते। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर ए और बी हमारे दोनों ही जीरो नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हमें ये बोला, ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो इज कॉल्ड आ, जहाँ पे दोनों ए और बी जीरो नहीं होते, वो हमारी एक लीनियर इक्वेशन होती है। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि हम इसको इस तरीके से लिखें, ax+by+, अभी वो ए की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, बी की जगह पे भी कोई नंबर हो सकता है, सी की जगह पे भी कोई नंबर हो सकता है, =0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हैं, जैसे 2x+3y+9, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ax+by+c=0, यहाँ पे भी ax+by+c=0, यहाँ पे भी ax+by-, देखो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार प्लस ही आए, -c=0। अब यहाँ पे भी देखो 5x-3y+, ये हमारा ए एक्स हो गया, -by हो गया, +c हो गया, =0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखो अगर हमें इस तरीके से दे रखा है 2x+4y=9, तो ये हमारी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जो हमारा क्या होना चाहिए, ax+by+c=0। तो इस 9 को हम इधर ले आएंगे, 2x+4y, ये इधर आ जाएगा 9, इधर प्लस का इधर के माइनस हो गया, =0। ठीक है, अब हम इसको जो है आगे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से पहले अगर हमारे पास कोई ऐसा दे रखा होगा तो पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। आगे देखते हैं हाउ टू फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कैसे जो है हम इसके अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। जैसे कि हमारे पास है 4x+3y=0 हमें दे रखा है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर x की हम कुछ भी कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। ठीक है, x की हम अलग अलग वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, और हमें ये देखना है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है कि नहीं है। लीनियर इक्वेशन के अंदर जो हमारी जो जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे समझाया कि ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, लेकिन जब हमने इसको इक्वल करके साइड में इसके कोई कॉन्स्टेंट या कुछ हमने लिखा, तो वहाँ पर हमारी दो साइड बन गई, एक हमारी बन गई लेफ्ट हैंड साइड, एक बन गई हमारी राइट हैंड साइड, तभी तो वो इक्वेशन बनी ना। इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, देखो जी जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो इक्वेशन में हमारी दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड।
तो हमें देखना है कि क्या ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमने देखा x इक्वल हमने 0 रख दिया। अब जहाँ पे x है 4x है तो 4 की जगह 0, 3y+12, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3y+12 इक्वल 12। अब ये देखो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, 12 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया 0 4 आ गया, यानी कि x हमारा 0 और y की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हम जब y की वैल्यू की जगह 4 रखेंगे तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ पे 0 ही रखना है, आप 0 की जगह कुछ और भी रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 1, x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो हमने अब 4 की जगह x की जगह पे क्या रखा 1 रखा, 3y+ इक्वल 12। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये 3y इक्वल 12। यहाँ पे देखो ये 4 पॉजिटिव का है, ये हमारा इधर आ जाएगा, इधर आके ये नेगेटिव बन जाएगा, 3y इक्वल 12 -4, दोनों को माइनस करेंगे 8 आ गया। 3y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ गई y की वैल्यू 8 अपॉन 3 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे 1 क्या आ गया हमारा ये x हो गया और 8 अपॉन 3 क्या हो गया हमारा y हो गया। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू रखी, और बहुत ऐसे आप x की वैल्यू रखते जाएंगे आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी, इसी तरीके से जब आप y की वैल्यूज रखते जाएंगे आपको x की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो देखो इसमें क्या करा है कि यहाँ पे हमने y की वैल्यू रख दी, तो जहाँ पे अब y है वहाँ पे हमने 0 रख दिया, 4x+ दोनों को मल्टीप्लाई किया 0 इक्वल 12। अब ये जो हमारा है 4x+0, अब ये देखो 4 जो है इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 3, x 3 हो गया, y 0। ऐसे ही यहाँ पर है हमारा, अब हमने y की जगह -2 रख दिया। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से इसको रख सकते हो, तो 4x+3 मल्टीप्लाई वाई की जगह पे क्या आ जाएगा -2 इक्वल 12। 4x दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया -6 इक्वल 12। 4x, अब देखो ये 6 इधर क्या है माइनस का, इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, दोनों को प्लस कर दिया 18। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर के डिवाइड हो गया, तो इसको आप 2 के टेबल से काट लो, 9 अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x क्या आ गया 9 अपॉन 2 आ गया, तो x आ गया हमारा 9 अपॉन 2 और y क्या हमारा -2। तो इस तरीके से जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे ना, तो हमने ऐसे जो है इसमें वैल्यूज फाइंड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन करके। ठीक है, उसके बाद एक और है, चेक वेदर 3 और 2 इज अ सॉल्यूशन द इक्वेशन 2x+3y इक्वल 12 और नॉट। हमें चेक करना है इसके अंदर कि जो ये हमें 3 और 2 जो दे रखे हैं, क्या इससे हमारी जो ये हमें जो दे रखे हैं सॉल्यूशन, क्या ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। कब सॉल्यूशन होता है, जब दोनों साइड इक्वल आ जाती है तो वो सॉल्यूशन होता है, जब दोनों साइड इक्वल नहीं आते तो सॉल्यूशन नहीं होता। तो x की जगह पे 3 रखेंगे और y की जगह पे 2 रखेंगे और देखेंगे सॉल्यूशन इसका 12 आता है या नहीं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लो, 2x+3y, तो x की जगह 3, y की जगह 2, मल्टीप्लाई कर दो, 6+6 12 आ गया, तो राइट हैंड साइड हमारा 12 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा पहले से 12 है। तो 3 और 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x+3y इक्वल 12, तो ये इसका जो है वो सॉल्यूशन है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज में आएंगे, तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इजीली आप इसको कर लोगे। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।